शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के आयु। जो आयुर्वेद शब्द है वो आयु प्लस वेद, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है मुख्यतः। उसमें एक तो होता है आयु और दूसरा होता है वेद। तो आयु की, जो आयुर्वेद में जो आयु की कल्पना की गई, उस आयु की कल्पना के अंदर चार मुख्य घटकों का समावेश किया गया। आज के लेक्चर में हम उन घटकों के ऊपर बात करेंगे। तो आयु के उन घटकों के अंदर सर्वप्रथम कहा गया आचार्य चरक के द्वारा सत्व, इंद्रिय, शरीर और आत्मा। इस प्रकार से चार घटकों के अंदर आयु को डिवाइड किया गया और इन चारों का जो कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है, समवाय संबंध होता है, जब ये चारों का समवाय संबंध सतत रूप से बना हुआ रहता है तो ऐसी स्थिति को ही आयु कहा जाता है। तो अब इस सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हम आयु के बारे में जनरली एक एज से हम आयु का परिकल्पना कर ली जाती है कि इसकी इतनी एज है, वो उसकी उतनी आयु है। बट आयुर्वेद और आचार्यों, आयुर्वेद के आचार्यों के आयु का जो दृष्टिकोण रखा, वो आयु का दृष्टिकोण रखा कि जब जो गर्भ होता है, गर्भ के अंदर जो गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भस्थ जो बालक होता है, उस बालक में जब सत्व, जो भी शरीर का विकास होना, तो प्रक्रिया जो शुक्र और पुरुष बीज और स्त्री बीज के आपस में मिलने के मिलने उपरांत जो शारीरिक भौतिक रूप से जो सेल डिवीजन होकर के फर्दर स्टेज में जाते जाते शरीर की ग्रोथ होना, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, वो होती है और वो होती जाती है। लेकिन हमारी आयु का प्रारंभ आचार्य चरक के अनुसार और आयुर्वेद के आचार्यों के मतानुसार वो प्रारंभ होता है जब उसके अंदर सत्व, इंद्रिय, आत्मा और शरीर। सत्व से यहां पर तात्पर्य है मन, इंद्रियां जो पांच हमारे सेंस है, और आत्मा जो हमारी शरीर के अंदर जो एक चेतना है, और उसके बाद में शरीर जो फिजिकली जो हमारे को शरीर दिखाई देता है, वो शरीर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रत्यक्षता भी देखते हैं और व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है कि एक जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, एक प्रेग्नेंट औरत होती है, जब तीन मंथ चार मंथ के बाद में उसके अंदर दो उदनीय अवस्थाएं होती है, उसको अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग सेंस की और अलग अलग उसकी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है। और वास्तविकता में ऐसा होता है कि वो जो सेंस होता है, वो जो इच्छाएं होती है, वो जो उसके गर्भ में जो शिशु है, उस शिशु का सत्व अर्थात उसका मन और उसकी इंद्रियां, उन उस शिशु के मन और इंद्रियों की इच्छाएं होती है जो वो माता अपने इच्छाओं के द्वारा प्रकट करती है। और ऐसी अवस्था के अंदर ही जो आचार्य चरक ने जब गर्भ की वृद्धि के बारे में कहा गया, तब वहां पर भी वो आचार्य ने सांकेतिक रूप से स्पष्ट करते हैं कि चौथे मास के अंदर उसमें चेतना का समन्वय होता है। तो इस प्रकार से यह कहा जाता है कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो आयु का प्रारंभ होता है, जो आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण से आयु प्रारंभ होती है, वो माता के गर्भ में जब ये चारों सत्व, इंद्रिय, आत्मा और शरीर, ये चारों का जब संयोग माता के गर्भ में हो जाता है, उसी समय पर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति की आयु का प्रारंभ हो जाता है। तो एक दृष्टिकोण से इस तरीके से बात करने के बाद में हम बात करते हैं कि आजकल के जो भौतिकवाद के और इस वैज्ञानिकवाद के क्षेत्र दौर के अंदर हमारा मुख्य रूप से जो कार्य रह गया है वो शरीर पर रह गया है। लेकिन वास्तविकता में अगर आचार्य और आयुर्वेद के आचार्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब के सब हमारे आयु, हमारे जीवंत होने में इन चारों का अपना बराबर बराबर 25% योगदान होता है। ये जो 25% का जो योगदान होता है, और अगर हम हमारा फोकस अगर सिर्फ और सिर्फ शरीर के ऊपर रखते हुए, शरीर को अपना मुख्य विषय मानते हुए अगर रखेंगे, तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो आयु का कॉन्सेप्ट है वो हम एक चौथाई भाग में समझ गए, बाकी जो 75% जो भाग है वो इससे हम अनभिज्ञ रह जाएंगे। और जो रोगों की निदान की अवस्था जो आचार्यों ने बताई,
रोगों के ज्ञान की, रोगों के चिकित्सा की पद्धतियां, स्वास्थ्य को बनाए रखने की जो प्रक्रियाएं आचार्यों ने बताई, उनको हम 25% के लेवल तक ही स्पर्श कर पाएंगे। इसीलिए आयुर्वेद के ज्ञान, आयुर्वेद के जो जीवंत आत्मा है, जो जीवंत चेतना है, आयुर्वेद विज्ञान का जो मूल सार भाग है, उसको संपूर्ण रूप से समझने के लिए सर्वप्रथम हमारे को आयुर्वेद के जो ये चार घटक है, इनका मौलिक और इनका अप्लाइड, बेसिक और अप्लाइड दोनों प्रकार का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो बात करते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम सत्व की। तो मन, मन के बारे में ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद के विषय में, मन अपने आप में एक 9 कारण द्रव्यों के अंदर उसकी गणना है, और उसके आगे चलने के बाद में मन को अनेकों रेफरेंसों में, अनेकों संदर्भों में आचार्यों ने मन को अलग अलग तरीके से उल्लेख किया है मन का। लेकिन आयु के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि मन का और इंद्रियों का और ये जो आत्मा है, ये तीनों द्रव्य अमूर्त हैं। अगर वास्तविकता में हम मन, इंद्रिय और आत्मा, ये जो तीनों द्रव्य हैं जो हमारे आयु का 75% हिस्सा धारण किए हुए हैं, वो सभी के सब भी अमूर्त हैं। उनका मूर्त रूप में किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उन्हें फिर भी द्रव्य के रूप में स्वीकार्यता दी गई है। द्रव्य के रूप में स्वीकार्यता देने से पूर्व आचार्य ने द्रव्यों का क्राइटेरिया बताया कि द्रव्य क्या होते हैं। तो द्रव्य के संदर्भ में उन्होंने कह दिया कि यत्र आश्रिता कर्म गुणा, जिसके आश्रित कर्म और गुण हो वह द्रव्य है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसका मूर्त होना और अमूर्त होना ये कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन क्या है कि उसमें कर्म होने चाहिए और उसमें गुण होने चाहिए। यत्र आश्रिता कर्म गुणा, जिसमें कर्म होंगे, जिसके गुण होंगे, वो सभी द्रव्य होंगे। जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें गुण नहीं है, उसको द्रव्य का जो क्राइटेरिया, जो आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के अनुसार जो द्रव्य का क्राइटेरिया है, वो रखा ही गया है कि बस कर्म होने चाहिए और गुण होने चाहिए, दिखाए मूर्त हो चाहे वो ना हो। तो जब हम मन की बात करते हैं तो मन के अपने कर्म होते हैं, मन के अपने गुण होते हैं। अणुत्वम च एकत्वम, दो गुणों मन सो स्मृतम, इस प्रकार से दो गुणों का उल्लेख आचार्य ने मन के बारे में कहा। और उसके अलावा जो चिंत विचार यम देह संकल्प इंद्रिय अभिग्रह, इस प्रकार से मन के कर्मों का उल्लेख है आचार्य चरक के द्वारा किया गया। और जब आगे इन विषयों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे तो मन के ऊपर इन सारे विषयों को एक एक की बात करेंगे। दूसरी बात करते हैं इंद्रियां। इंद्रियों का विभाजन 3 तरीके से किया गया। सबसे पहले ज्ञानेन्द्रियां, दूसरा कर्मेंद्रियां और तीसरा उभय इंद्रिय। तो जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, जो हमारे 5 सेंस है, वो जो 5 सेंस ऑर्गन्स है। वास्तविकता में जब हम शरीर की बात करते हैं तो आंख आंख है, लेकिन आयुर्वेद के जो इस इंद्रियों के कॉन्टेक्स्ट में उसको चक्षु इंद्रिय कहा जाता है। आंख जो चक्षु है वो उसका अधिष्ठान है, लेकिन उसकी जो पोटेंसी है जिसके कारण हमें अवयव और जो चीजें दिखाई देती है, ये आंखों का जो पोटेंसी है, जो देखने का जो सामर्थ्य है, वो वास्तविकता में इंद्रिय में होता है। अगर ये इंद्रिय सामर्थ्य चक्षु, जो अधिष्ठान आई, जिसको चक्षु का अधिष्ठान कहा जाता है, अगर उस आंख में अगर वो सामर्थ्य होता, वो पोटेंसी होती, तो जो कैडेवर होता है, जो मृत होने के बाद जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर भी आंख का इंद्रिय का अधिष्ठान तो बराबर होता है, लेकिन उस आंख से दिखाई कुछ भी नहीं देता है। तो यह जो इंद्रिय, जो इंद्रिय का जो सिद्धांत है, जो इसीलिए पृथक रूप से इंद्रिय के सिद्धांत को शरीर के जो अधिष्ठानिक आंख है उससे पृथक चक्षु इंद्रिय का, इसी प्रकार से श्रोत इंद्रिय और 5 इंद्रियों के सेंस ऑर्गन्स के बारे में इंद्रियों का वर्णन किया गया है। और आगे इसके बाद में बात करते हैं कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रियों के संदर्भ में 5 जो कर्मेंद्रिया है और उभय इंद्रिय में मन, जो कर्म भी, कर्मेंद्रिया भी हो और ज्ञानेन्द्रिया भी हो, दोनों प्रकार का हो, ऐसे को उभय इंद्रिय के संदर्भ में लिया जाता है। आत्मा, आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो आत्मा को आज के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो आत्मा को कॉन्सियसनेस, जो चेतना है, उस चेतना को आत्म तत्व, जो आयुर्वेद में आत्म तत्व का विश्लेषण किया है,
उससे कुछ हद तक जोड़ा जा सकता है, कंप्लीटली जोड़ा जा सकता है नहीं, लेकिन कुछ उसके क्राइटेरिया, कुछ उसकी जो थ्योरीज है वो आत्म तत्व और कॉन्शियसनेस के कुछ मैच खाते हैं, तो उस आधार पर उसको उससे संबंधित किया जा सकता है। तो आत्मा का वर्णन करते समय आचार्यों के द्वारा दो प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया गया, एक तो जो निर्विकार जिसमें कोई विकार नहीं है, जो इस समूचे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो समूचे ब्रह्मांड की जो चेतना है, उस चेतना का, उस आत्म तत्व का वर्णन करते हुए कहा गया निर्विकार परसत्वात्मा सर्वरूप गुणेन्द्रिय, इस प्रकार से उस निर्विकार आत्मा का भी वर्णन करते हैं। और उसके बाद में जो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन में जो पाई जाती है, जो एक जीव के अंदर जो पाई जाती है, उसको, उस आत्मा का भी वर्णन किया गया। तो आयुर्वेद के अंदर गुणी और निर्गुण, साकार और निराकार दोनों प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर सवाल यह होता है कि भाई एक चिकित्सक के लिए एक जीव में उपस्थित आत्मा, आत्मा और चेतना का ज्ञान का महत्व होता है, तो जो बाहर की जो परस्तो आत्मा जिसे कहा गया, जो परम आत्मा और जो पूरी कॉन्शियसनेस है, उसके वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी? तो इसमें जाहिर सी बात है कि जब तक हम उस संपूर्ण चेतना को नहीं समझ पाएंगे, तब तक जो किसी जीव के अंदर, पर्टिकुलर जीव के अंदर जो चेतना है, उसको समझना भी काफी मुश्किल होगा। इसीलिए आचार्यों ने ये जो आत्म तत्व का वर्णन किया, उसमें सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की आत्माओं का भी वर्णन किया। शरीर, शरीर जो फिजिकली जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रत्यक्ष पंच भौतिक शरीर दिखाई देता है, हमारे आंखों से जिसे देख पाते हैं, हाथ से जिसे स्पर्श कर पाते हैं, स्मेल टेस्ट जो भी चीजें कर पाते हैं, सारी की सारी चीजें जो पंच भौतिक हमारे देह में दिखाई देता है, वो सारा का सारा शरीर होता है। ये शरीर रचना का विषय है, उसके अंदर अपन डिटेल से उसकी बात करेंगे। तो आज हमने जो आयु और उसके जो चार प्रमुख घटक थे उनके बारे में, कि सरफेसली उनके अंदर हमारे को किस तरीके से क्या क्या चीजें कवर करनी है, उनकी बात की। अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल में एक एक टॉपिक को उठा करके उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।